Motorola की तरफ से एक और नया फोन आ गया है, वो है Motorola G82 5G। अगर बात करें इस फोन की फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले से। इसके अंदर आपको 6.6 इंच की एक PoLED 10 बिट डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। अब जो ये PoLED डिस्प्ले इस फोन के अंदर दी गई है, आप इसको नॉर्मल डिस्प्ले से इसके अंदर थोड़ी बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि इसके अंदर जो ड्यूरेबिलिटी है, मजबूती है, नॉर्मल डिस्प्ले से आपको बेटर देखने को मिलेगी। Motorola अक्सर ये डिस्प्ले जो है अपने हाई लेवल यानी कि फ्लैगशिप लेवल के फोन्स में यूज करता है। और PoLED डिस्प्ले होने का एक फायदा और है, वो ये कि फोन हीट कम होता है। हाँ, अब बात करें अगर इस फोन के प्रोसेसर यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 695 का ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 5G के 13 बैंड देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 5G के 13 बैंड इस फोन के अंदर दिए गए हैं। LPDDR4X RAM और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही नियर स्टॉक एंड्रॉयड 12, जी हाँ 12, एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि फालतू के ऐड वगैरह आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको थिंग शील्ड सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, जो कि ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इस फोन से आप मैक्सिमम 1080p 30fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है सिर्फ 1080p वाली वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर सकता है, यानी कि हैंडल कर सकता है। तो ओवरऑल फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इस फोन से आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बैटरी, इसके अंदर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर आपको 33W का एक फास्ट चार्जर मिल जाएगा। अब अगर इस फोन के अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलेगा, डुअल स्पीकर और डुअल माइक दोनों चीजें आपको डुअल मिल जाएंगी, एक स्पीकर और एक माइक नीचे की तरफ और एक स्पीकर और दूसरा माइक ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन के अंदर नहीं दिया गया है। साथ ही एक बैक केस कवर भी फोन के बॉक्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा। IP52 की रेटिंग दी गई है, अगर थोड़ा बहुत पानी के अंदर भीग जाता है तो आपके फोन को बचा लेगा, यानी कि आपका फोन बच जाएगा। NFC का सपोर्ट दिया गया है, साथ ही ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, आप इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, यानी कि दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड ही आप इस फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट दिया गया है, कैरियर एग्रीगेशन स्लो से थोड़ा सा फास्ट इंटरनेट 4G प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और वाइड ऑन L1 यानी कि नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन प्राइम जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कोई फुल HD के अंदर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सपोर्ट भी इस फोन के अंदर आपको दिया गया है। तो ऑल ओवर कुल मिलाकर ये थी इस फोन की ऑल स्पेसिफिकेशंस, अगर कुछ रह गया होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अगर प्राइस की बात करें इस फोन के बारे में, तो इसके आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB जो कि आपको मिलेगा 21,500 रुपए में, और 8GB 128GB ये आपको मिलेगा 23,000 रुपए में। फिलहाल ऑफर चल रहा है, अगर बैंक का ऑफर क्रेडिट कार्ड लगाते हैं आप तो ये फोन आपको मिल जाएगा 20,000 रुपए में, और जो आप प्राइस देख रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी यानी कि स्पेशल प्राइस है, लॉन्च होने पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, 20,000 के अंदर ये फोन आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मेन प्राइस है इस फोन की वो है 21,500 और 23,000 रुपए। अब अगर रेटिंग देने की बात करूं इस फोन को, तो मैं अपनी तरफ से इस फोन को दूंगा 5 में से 4.5 रेटिंग। तो मेरा ओपिनियन क्या है इस फोन के बारे में, तो मैं कहूंगा कि ये फोन ठीक ठाक है, 20,000 से 21,500 रुपए के अंदर ये फोन लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर 21,000 रुपए के हिसाब से इस फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन अच्छी खासी आपको दी गई है, डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है, प्रोसेसर भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, जिसके अंदर गेमिंग वगैरह आप ठीक ठाक कर लेंगे, डेली डे टू डे काम भी जो भी है आपके वो भी ये फोन संभाल लेगा, बैटरी और चार्जर भी अच्छा खासा दिया गया है, कॉम्बिनेशन अच्छा है बैटरी और चार्जर का भी, इसके अलावा कैमरा सेटअप वो भी अच्छा खासा है, फोटो और वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, और बाकी जो अदर फीचर्स हैं वो भी कुल मिलाकर ठीक ठाक दिए गए हैं, तो मैं इस फोन से कोई शिकायत नहीं करूंगा। प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन जो फीचर्स होने चाहिए एक फोन के अंदर वो सब दिए गए हैं, तो